So, इतनी कम उम्र में जिस तरीके की आपको कामयाबी मिली है कि अगर आपकी गाड़ी भी अगर आपकी निकलती है तो जिस तरीके से अगर मैं सिग्नल पे भी गाड़ी मेरी रुकती तो आजू बाजू से, से नॉक करना चालू हो जाता है तो थोड़ा सा नया नया फील मतलब नया नया कुछ फील हो रहा है बिकॉज मेरी नजर में मैं एक शो करने के लिए नहीं गई थी मैं एक घर के अंदर गई थी बस वहां पर कैमराज लगे हुए थे बड़ा चलता है कि इतना प्यारा फीडबैक मिला है 125 दिन गुजारना ए, ए, एक घर के अंदर जहाँ पर आपको कांस्टेंटली आपको जज किया जाता है व्हाट हैज इट एग्जैक्टली टॉट यू उस घर में रहना बहुत मुश्किल है सबसे पहले तो और इसके साथ-साथ जब मैं रह के आई हूं तो मैंने जो एक चीज सीखी है वो सिर्फ यही है कि अगर आप अपने दिल से सच्चे रहोगे और दिल मतलब सच्चे दिल से कुछ भी चीज करोगे ना तो आप कभी गलत नहीं होंगे ये जो एक uh,

आपके ऑल टाइम फेवरेट आपके एक्टर और एक्ट्रेसेस कौन कौन से हैं आई लव आलिया भट्ट एक्ट्रेस में एंड एक्टर्स में जॉनी डेप वुड यू वांट टू डू फिल्म्स या आई वुड लव टू आई एम वेटिंग स्टैन से अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे आप स्टैन को मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि वो मतलब बहुत जेन्युइन लड़का है ओके okay. टीना से अगर आप कुछ कहना चाहें तो टीना से मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी ओके okay. साजिद खान को आपने फादर फिगर कहा है अपने सारे इंटरव्यूज में व्हाई डू यू थिंक दैट ही इज अ फादर फिगर इन योर लाइफ तो जितना पापा ने मुझे मेंटली स्ट्रांग किया है उतना ही साजिद सर ने घर के अंदर मुझे स्ट्रांग किया मेंटली तो या दैट्स व्हाई सुंबुल वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा कैसी हैं आप बहुत बढ़िया थैंक यू सो इतनी कम उम्र में जिस तरीके की आपको कामयाबी मिली है

हाँ मुझे मालूम था कि बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है पर लोग इतना ज्यादा देखते हैं मुझे नहीं मालूम था कि अभी अगर मैं सिग्नल पे भी गाड़ी मेरी रुकती तो आजू बाजू से ऐसे नॉक करना चालू हो जाता है तो थोड़ा सा ऐसे नया नया फील मतलब नया नया कुछ तो फील हो रहा है बिकॉज मेरी नजर में मैं एक शो करने के लिए नहीं गई थी मैं एक घर के अंदर गई थी बस वहां पे कैमराज लगे हुए थे बड़ा अच्छा लगता है कि इतना प्यारा फीडबैक मिला है जिस तरीके का इनफैक्ट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं जब जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था सो इनफैक्ट मेरा मेरा जो आई थिंक प्रडिक्शन था एंड मैं कोई ऐसे क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि दैट प्रडिक्शन मेरे हमेशा सही होते हैं लेकिन मुझे मुझे लगता था कि दैट वो एक जिस तरीके की आपकी फ़ैन फॉलोइंग है और जिस तरीके से लोग आपसे आपसे आप जुड़े थे शुरू शुरू में दैट यू विल बी द वन ऑफ द मे बी यू विल बी द इवेंचुअल विनर एज वेल ये जो एक विनर uh, वाली जो फील आपके साथ में एसोशिएट हुई थी वो वो आपके लिए किस तरीके के महसूस आप आप, आप करती हैं उसके बारे में बिकॉज यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वर इन फिनाले

थैंकफुली आपके आपके खासे ऐसे करीबी दोस्त बने जिनकी आप कदर करती हैं जो आपकी कदर करते हैं और आपको लगता है कि आप उनके साथ लद्दाख जाना चाहेंगी ये जो एक, एक पूरा एक जो एक मरहला होता है एक एक तरीके की एक एक सिचुएशन होती है दैट यू आर कॉन्सटेंटली जजड वॉट हैज़ इट एग्जैक्टली टॉट यू यू आर एन एक्सट्रीमली यंग पर्सन आपने सीखा क्या इन सब पूरे एक्सपीरियंसिस से इन टर्म्स ऑफ बी जज जजड ऑल द टाइम एक्चुअली uh, बहुत सबसे ज्यादा बहुत मुश्किल है उस घर के अंदर रहना नॉट जस्ट फॉर मी नॉट बिकॉज ऑफ आई एम यंग बट इट इज डिफिकल्ट फॉर ईच एंड एवरी वन जो जो बड़े उम्र के भी थे सारे सर के लिए भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी वो भी वहाँ पे यू नो फिट इन नहीं कर पा रहे थे तो आई थिंक कि उस घर में रहना बहुत मुश्किल है सबसे पहले तो और उसके साथ साथ जब मैं रह के आई तो मैंने जो एक चीज सीखी है वो सिर्फ यही है कि अगर आप अपने दिल से सच्चे रहोगे और दिल मतलब सच्चे दिल से कुछ भी चीज करोगे ना तो आप कभी गलत नहीं होंगे ये चीज मैंने सीखी है वहां पे कई बार लोगों को मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है मेरे एक्शन uh, को लेके हो जाती थी पर वो यही कारण था क्योंकि मैं कैमरा के सामने जा जाके मैं बोल नहीं सकती आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं कैमरा से बातें करूं या मैं सामने नाचूं सो so, या yeah, मुझे ऐसा लगता है कि यार अपने दिल में सच्चे रहो

कौन सी बात करनी चाहिए जो कि कैरी करी जाएगी करने की? मेरा बहुत सिंपल सा मतलब बात थी मैं जब घर पे भी थी जब फाइनल हुआ था बिग बॉस तब पापा ने बोला था कि थोड़ा सा देखने के लिए तो मैंने सोचा की नहीं क्योंकि मैंने पापा को पहले ही बोला था कि मुझे ना एकदम अनजान बन के जाना है घर के अंदर मैं नहीं चाहती कि मैं हर एक चीज जानती हूँ तो मैंने बहुत कम देखा और वो देखे मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये ना ज्यादा अच्छा लगता है जो नेचुरल चीजें होती है घर के अंदर जाने के बाद आपको जो घर के के अंदर जाने बाद समझ मैं मानती हूँ निकली हूँ घर से उस उसका क्या मैं आज भी यहाँ पे बोल सकती हूँ बैठे बैठे कि मेरे को गेम अभी तक नहीं समझा लेकिन यह था कि मैंने जो भी चीजें की वो मैंने पूरे दिल से की थी सो आई लाइक द फैक्ट दैट आई डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर द कैमरा And I like the fact that me for that. जैसे आपके इंटरव्यूज़ अगर मैं देख रहा था तो अब जैसे बहुत बार काफ़ी काफ़ी पहने सवाल किए जाते हैं जिन जिन लोगों के साथ में आपके अच्छे रिलेशनशिप्स थे और कुछ सर्टन बातें बताई जाती हैं कि घर से घर से आने के बाद में यू नो दिस इज़ वॉट देट अबाउट यू लेकिन आपकी ओपिनियन जो है उनके बारे में फिर भी नहीं चेंज होती है तो इतने कम उम्र में ये इस, इस, इस कस्म की एक समझ होना ये कहाँ से आई आप में आई थिंक uh, जितना मुझे चार महीने में पिछले सीख मिली वो भी एक कारण है उसके अलावा मैं बीच में जो uh, दो ढाई साल के लिए मैं मतलब मैं और मेरी बहन सिर्फ अकेले रहते थे तो उस वक्त में भी हर एक चीज को मैनेज करना जब अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती आई थी तो बहुत वक्त लगा था यू नो पूरी दुनियादारी समझने में बहुत सारी चीज समझने में पर ये एक मेचोरिटी लेवल आई थिंक मेरे पापा ने मेरे दिमाग में डाला है और काफी टाइम से पहले भी जब वो नई थे तब भी ताकि क्योंकि जब वो नई भी थे तब भी मैं वही सोच रही थी जो जो मुझे पापा बोल के गए थे कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जब मैं दोस्ती करती हूँ वो पूरे दिल से करती हूँ और मुझे एक चीज से बहुत प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है कि कोई इंसान अगर मेरा दोस्त हो और वो कान का कच्चा हो क्योंकि अगर कोई इंसान कान का कच्चा है जो किसी की भी बात सुन के कुछ भी मान लेगा तो वो दोस्त कभी बन ही नहीं सकता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के कही सुने में कुछ नहीं जाऊंगी

जिनसे वो नाखुश होते हैं वो ज्यादा होते हैं और आपके जो जिन लोगों से आप खुश नहीं हैं उनके वो बहुत ही कम हैं ज्यादातर लोग जिन्होंने जिनके साथ में आपके बहुत अगर नहीं भी जैसे अर्चना के साथ में फॉर uh, an so, uh, एग्जाम्पल से सामने आ रहा है कि दैट मुझे लगता है कि तक मैं घर के अंदर थी घर के अंदर जितनी चीजें हुई

हाँ मतलब I tried my level best to you know कि अपने आप को समेट के रखना and I think I did it pretty well. You did very very well for sure. Um, बहुत बार लोग लोग कहते हैं कि दैट आंसू जो होते हैं मे बी साइन ऑफ वीकनेस होते हैं बट आंसू जो हैं वो एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी हो सकते हैं कि आप अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज फार एज टीयर्स इज कंसर्न क्या आपने सीखा इस घर के अंदर

फॉर एंड आई एम नॉट पर्सन कि बोर हो तो जाके लड़ लो <laughs> मुझे हो है कि वो आदत हो है क्योंकि हमें नहीं मालूम ना हम कितने बजे रात को सोते थे जब भी उसके बाद भी हम जगह रहते थे सुबह वो भोंगा बजता था तो सुबह सुबह दिमाग में बजता है तो यार कहा कि प्रियंका हो सकता प्रियंका से आपकी, आप, आप

टू बी ऑनेस्ट एम नॉट बिकॉज पिछले दो महीनों में जब से मैं थोड़ा ओपन होना चालू हुई हूँ तो, like kind of उस तो उसका यहाँ तक पहुंचना लाजमी था बिकॉज पीपल लव हिम फॉर हिज यूनिकनेस द वे टॉक्स बिकॉज ही सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है मेबी पीपल लव दिंग अबाउट हर हर

क्यों थोड़ा नहीं काफी हम ऐसे बैठे रहते थे और जैसी अचानक से फिर स्क्रीन पे सर तो मुझे मतलब जब वो मजाक उड़ाते थे, थे मेरा तब नहीं ऐसे बाकी कौन होते जब जेन्य मतलब स्क्रिप्ट के अलावा जब बातें करते थे मुझे उन्होंने कई बार बोला की मैं उनको बहुत जेनुइन लगती हूँ तो वो सब चीजें मुझे नहीं मालूम कि बाहर लोगों को दिखाई है कि नहीं दिखाई है पर ये तो तो अच्छा okay, सेलिब्रिटीज भी आए हैं बिग बॉस के घर में कौन सा था जिसके साथ में आपने कनेक्ट किया और कोई याद है आपकी हो आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब आयुष्मान सर आए थे सबसे पहले तो बिकॉज

और मैं ऐसे थी मतलब सच्ची सो so, uh, मैं ज्यादा टाइम तो स्टार स्ट्रक हो गई थी पर हाँ uh, मतलब <laughs> बहुत अच्छा लगता है नहीं बट बट आई थिंक आई थिंक हर कोई हर कोई आपको जानता था और उसमें जैसे ये भी ये भी अटकलें लगाई जा रही थी दैट मे बी यू आर द हाइस्ट पेड आर्टिस्ट हुज इन साइड द बिग बॉस हाउस सो आई थिंक जानना तो बन, बनता था लाजमी लाजमी था <laughs> टेलीविजन आर्टिस्ट टेलीविजन आर्टिस्ट की जो पॉपुलैरिटी है आपको क्या लगता है कि उसको थोड़ा सा अंडरएस्टिमेट किया जाता है कहीं ना कहीं एक चीज होती है जो मैंने घर के अंदर तो नहीं क्योंकि घर के अंदर दे वर ऑलमोस्ट टीवी एक्टर्स पर घर के बाहर एक यू you know, एक अलग कैटेगरी बना दी गई है दे आर नॉट कॉल्ड एक्टर्स दे आर टीवी एक्टर्स नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई नो मैटर हाउ गुड दे वर्क

Whenever, अब मैं आज भी निकलती some जो मुझे इमली के लिए पहचान रहे वो सो आई थिंक लोगो को अंदाजा नहीं होता है कि की टीवी की पॉपुलरिटी कितनी ज्यादा है वो बस एक कैटेगरी बना देते हैं कि हाँ ये टीवी एक्टर्स है लेकिन जितना मैंने नोटिस किया है अभी तक की लाइफ में कि टीवी एक्टर्स बहुत पॉपुलर है मैं आपके कुछ इंटरव्यूज़ में देख रहा था और उसमें कमेंट्स में देख रहा था सो so, हर तरीक़े के लोग जो हैं वो 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 कमेंट्स वो करते हैं uh, आप 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 कैसे देखती हैं इस बात को कि जैसे हिंदुस्तान में uh, हर हर मजहब के लोगों ने आपको सपोर्ट किया है हर तरीक़े के लोगों ने आपको सपोर्ट किया चाहे मर्द हों औरत हों बच्चे हों सब ने आपको सपोर्ट किया है, हो, 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 आपको किया है। uh, ये आपको आपको क्या बताता है मोहब्बत की जो एक, एक जो मिठास है मोहब्बत की जो महक है वो किस तरीके से फैलती है पता नहीं नहीं मुझे मुझे तो 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 मतलब मैं तो कितने बार मैंने मैंने ये भी तो भी बोला है कि कि समझ ज्यादा कैसे प्यार करने लग गए तो क्या किया ऐसा आई थिंक ना किसी एक को जब दिल से एक आती है, या लोग कनेक्ट कर जाते हैं अचानक से क्योंकि में, been, uh, been मेरी देखी है मे बी दे कनेक्टेड बिकॉज जो औरतें होंगी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बच्चे की तरह देखा होगा जो छोटे बच्चे होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं खुद रिलेट किया होगा कि यार हम भी ऐसे करते हैं और जो यू you नो know, जो बड़े एज में जो लोग होंगे उनको लग रहा होगा कि नहीं ये मतलब ऐसे ग्रैंड ऑर्डर जैसी है सो आई थिंक वो लोग ना कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर जाता है जहाँ पे घरेलू फीलिंग आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए मैं बोलती हूँ मुझे नहीं लगता कि मैंने फैंस कमाए मुझे तो मैंने फैमिली कमाई है बिकॉज आज तक मैंने जितने भी ट्वीट देखे हैं मैंने जितने भी मैसेजेस देखे हैं मैंने एक चीज नोटिस किया है दैट एवरी मतलब हर एक इंसान ने मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार दिया है like so जिससे वो कनेक्ट कर जाते हैं वो बस मैटर करता। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था बहुत से आपकी बहुत कम उमर, आ, आपकी उमर है। उमर बहुत कुछ, कुछ, एनी, एनी प्रिपरेशन थी आपकी कुछ आपको बताया गया था नो, अगर इस तरीके के सवाल पूछे जाए तो मे भी ये जवाब देना चाहिए मुझे कुछ बताया नहीं गया था मेरा यही रहता है कि मुझे कभी कुछ जानना रहता नहीं है जैसे मैंने शो के लिए भी बोला था पर यही है पूछे थे उस कॉन्फ्रेंस में

कुछ भी ऐसा गलत बोलना पर उसके साथ साथ क्वेश्चंस पूछना अलग होता है, लगाना अलग होता होता है है लेकिन लगाना एकदम आई 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 डोंट डोंट नो नो इफ मैंने बहुत अच्छे से हैंडल बिकॉज़ सीन पीपल कॉलिंग एरोगेंट एवरीथिंग पर मैं क्या मुझे बात तो करते ना प्यार से do you, do you Um, I think more sensitively. There is absolutely no doubt about that. Us do <music> Sumbul, we'll end this interview with with rapid fire with you. आप एक्सपीरियंस को एक हैशटैग में कैसे समाप्त okay.

मैं थोड़ी सी समझदार हूँ मैं थोड़ी सी समझदार नहीं मानते नहीं मानते <laughs> <laughs> आपका एम्बिशन क्या है लाइफ में मेरा एम्बिशन सिर्फ इतना है कि मुझे जैसे मेरा प्यार है एक्टिंग करना मुझे स्क्रिप्ट पे काम करना डायलॉग्स इम्प्रोवाइज करना और मतलब एक मेन सीन पे काम करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो मेरा बस इतना सा है कि मुझे बस बेहतर से बेहतर काम करते रहना है फिक्शन में और कुछ भी नहीं है। आपके ऑल टाइम फेवरेट आपके एक्टर और एक्ट्रेसेस कौन कौन से हैं आई लव आलिया भट्ट एक्ट्रेस में एंड एक्टर्स में जॉनी डेप कैप्टन जैक स्पैरो एंड वुड यू वुड यू वांट टू डू फिल्म्स या आई वुड लव टू आई एम वेटिंग सो कौन से डायरेक्टर्स के साथ में आप काम करना चाहेंगे मैंने अनुभव uh, सर के साथ तो किया हुआ है काम और uh, ऐसा नहीं है कि मैं किसके साथ करना चाहूंगा सबके साथ ही काम करना चाहूंगी

वो जानते हैं कि वो कैसा इंसान है उसके आसपास जितने लोग थे हम हम जानते हैं कि वो कैसा है इंसान है।, है, है।, है, है।, है तो वो उसको इन सब चीजों का इफेक्ट ना हो और फिनाले में पहुंच चुका है और बस मंडली जीते में से कोई भी जीते बस मंडली जीते अर्चना से अगर आप कुछ कहना चाहें तो अर्चना को मैं वैसे ये कहूंगी कि उसने मतलब बहुत एंटरटेनिंग लड़की है वो बहुत प्यारी है दैट कि वो ना टास्क में ही कोई भी टास्क होता है वो गुस्से में चलते चलते गलत रास्ता पकड़ लेती है वो अगर थोड़ा सा कंट्रोल करे या फिर थोड़ा सा एक एक पॉइंट पे उसको खुद से समझ आए ना कि मुझे नहीं अभी यहाँ पे थोड़ा देर के लिए एक बैकफुट लेना है तो शायद वो सबकी एकदम दुलारी हो जाएगी पर अभी काफी लोग ऐसे है जिनको वो इरिटेटिंग लगने लगी या फिर हार्टलेस लगने लगी है क्योंकि वो करती है ऐसा तो अगर वो थोड़ी सी काम हो जाए तो फिर क्या ही है ओके okay, टीना से अगर आप कुछ कहना चाहें तो टीना से मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी ओके okay. साजिद uh, खान को आपने फादर फिगर कहा है अपने सारे इंटरव्यूज में व्हाई डू थिंक दैट ही इज अ फादर फिगर इन योर लाइफ बिकॉज़ आई हैव नोटिस माय फादर इतने सालों से ऑफ कोर्स कि uh, जब भी मुझे चोट लगी है या कोई भी चीज हुई है

जो कि 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 नॉर्मली लाइफ में आने सकती पर वो देना वो सिचुएशंस एक एक तरह से सेम चीज जस्ट जस्ट हाउ विल आई रिएक्ट मेक मी कि मैं ये भी कि यार ये भी भी सोचूं यार पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी अगर possibility पे चाहे तो तो जितना पापा ने मुझे, मुझे तो मेंटली कौन सी ऐसी बात है जो आपको बिग बॉस में काफी बुरी लगी लेकिन आपने आज तक उसके बारे में बात नहीं करी uh, मुझे यही चीज बहुत बुरी लगी कि जब कोई मुझे ऐसा बोलता है एक बार विकास ने मुझे भूखी नहीं है बोल दिया था फिर अर्चना ने मुझे बोला कि मोहल्ले में खाना नहीं मिलता तो ये सब चीजें मुझे बहुत हर्ट करती है बिकॉज पर्सन जो मैंने आज तक जब भी उस घर के अंदर खाना बनाया है अगर यू नो आटा वगैरह अगर कम पड़ जाता था मैं अपने हिस्से का दे देती दे दे थी एंड मैं बासी खाना खाती थी और किसी को मैं बताती नहीं थी ना मैं गाना गाती थी और किसी को पता नहीं चला क्यों क्योंकि सब लोग जता देते थे सब लोग कैमरास के लिए बोल देते थे पर मैं नहीं कर सकती वो तो मुझे वो चीज बुरी लगती थी क्योंकि मैं बता भी नहीं सकती अभी क्योंकि फिर वैसा होगा कि अरे जता रही है जताने आ गई क्योंकि मैं जताती नहीं हूं मैं अगर करूँ भी तो तो ये चीज बुरी लगती थी कि यार मैं कोशिश कर रही हूँ सब लोगों के लिए इतना कुछ करती उसके बावजूद मुझे भूखी नहीं बोला जाता है या ये बोला जाता है कि मेरे घर पे खाना नहीं मिलता तो यार

राइट सुम्बुल right. uh, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए एंड कंग्रेचुलेन्स फॉर बींग अ मैस ऑफ सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट विशेज फॉर योर फ्यूचर थैंक यू वेरी मच थैंक यू